बैरून मुल्क जमैन पीटीआई की प्रॉक्सीज मौजूद हैं। जमात का कोई तर्जमान नहीं, सिर्फ ट्विटर हैंडल तर्जमान है। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती है, तुमने शहदा के खिलाफ मुहिम जोई की, 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। बेशर्म आदमी सवाल करता है कि 9 मई के वाकयात का फायदा किसको हुआ? तुम्हें अपने जुर्म का पता है, इसलिए बाल्टी रखकर हर अदालत में आते हो। चेयरमैन पीटीआई जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस समेत 6 मुकदमात में मुलजिम करार, पुलिस ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में चालान जमा करा दिया। चेयरमैन पीटीआई और दीगर मुलजिम बाज़ाब्ता ट्रायल के लिए कल तलब। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तलबी के समन जारी कर दिया। इससे पहले अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसी की थी। उधर पेट्रोल बम फेंकने की तहकीकत करने वाली जीआईटी कानूनी करार, लाहौर हाईकोर्ट ने जीआईटी के खिलाफ दरखास्तें जमा खारिज कर दी। भारतीय पानी से दरियाए रावी, चनाब और सतलुज में सैलाब, पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पीडीएमए के मुताबिक दरियाए चनाब में खानकी और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दूसरी जानिब बराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। रावी में भी पानी चढ़ गया। जसर के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। उधर दरियाए सतलुज में भी पानी सतलुज बुलंद। महकमा अनहार के मुताबिक हरिपुर हेड से छोड़ा जाने वाला पानी का रैला कसूर से गुजर रहा है। शकरगढ़ के नाला बाई में भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। मुल्क की ज़राई पैदावार बढ़ाने और मयारी खुराक की फराहमी का मिशन, इस्लामाबाद में ज़राअत और फूड सिक्योरिटी के मौज़ू पर कौमी सेमिनार, लाइव स्टॉक नुमाइश का भी इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खसूसी। सेमिनार कॉर्पोरेट फार्मिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मवेशियों की उभरती हुई मंडी और ज़राअत में सरमायाकारी का अहाता किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुलजिम बरी, एफआईए की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दौरान समाअत जज फखर बहजाद ने इस्तफसार किया। एफआईए ने पूरी तफ्तीश में किसी एक गवाह का बयान लिखा। एफआईए के तफ्तीशी अफसर खामोश रहे। सुलेमान शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, साबिक हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे केसेस बनाए। अदालतों में साबित कर दिया, हमारे खिलाफ सियासी केस बनाए गए। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ घेरा मजीद तंग। नैब लाहौर ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर की चेयरमैन नैब से वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। नए ऑर्डिनेंस के तहत उस्मान बुज़दार को दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उस्मान बुज़दार तलबी के बावजूद 14वीं बार नैब लाहौर में पेश नहीं हुए। नैब ने उस्मान बुज़दार के वकील से जवाब वसूल करने से इनकार कर दिया। परवेज इलाही की जेल में बेहतर क्लास देने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का परवेज इलाही को 4 बजे तक पेश करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत के वकील ने परवेज इलाही की दरख्वास्त की मुखालफत कर दी। उधर गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज इलाही के जमानती मचल के जमा, अदालत रुबकार जारी कर दी। बुद्ध बख्शुओं और मुबस्सरीन का इस्लामाबाद म्यूजियम में गंधारा आर्ट और आसार कदीमा का दौरा। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, गौतम बुद्ध और अशोका की हिस्ट्री यहां पर है। टूरिज्म के फरोग की कोशिश कर रहा हूं। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 2023 के इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अगले वज़ीर आज़म होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वाटर टैंक माफिया के खिलाफ ऐलान जंग, कहते हैं कराची में पानी की सप्लाई को बेहतर बनाएंगे। शराय फैसल पर किसी सियासी जमात का झंडा नजर नहीं आएगा। गवर्नर सिंध का कराची में हेल्थ कार्ड शुरू करने का ऐलान। कामरान टसोरी की कराची में मीडिया से बातचीत, मजीद कहा, हेल्थ कार्ड से 5 लाख रुपए तक का इलाज करवाया जा सकेगा।
और पंजाब के ओपन मार्केट में गंदम कीमतों में बड़ी तेजी। रहीम यार खान में गंदम की कीमत 4800 रुपए फी मन हो गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गंदम कीमत 4875 रुपए फी मन। कराची में गंदम की कीमत 5080 रुपए फी मन हो गई।